सो गाइस, आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी में ऐसा कुछ स्पेशल बनाया जाता है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं करंजी, जिसके अंदर स्टफिंग होती है बहुत से ड्राई फ्रूट्स की और दूसरे भी। तो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये है, इसको हम बोलते हैं वड़ा, जो कि बनता है दाल का। और ये तो आपको पता ही है, ये है पूरी। और ये सब्जी जो है, ये सब्जी है आलू और वहाँ पे चने डाले। और ये जो चटनी है, ये चटनी नारियल की चटनी है। और वो जो है, वो एक पत्ता मिलता है जिस पत्ते से वो सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। और ये है, ये रवे का बनता है। और ये प्रसाद के साथ जो मिलता है, मतलब प्रसाद है ये, जो कि है नारियल, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जाता है। सो गाइस, अभी टेस्टिंग की बारी, बिकॉज अभी और नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा है ना, वो मज़ा आ गया। तो चलो अभी टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्वीट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसमें स्टफिंग इस तरीके से रवे की स्टफिंग होती है और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, ठीक है। तो ये सही रहता है। कुरकुरा सा और बहुत मस्त, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पे दाल वगैरह वगैरह बहुत कुछ रहता है, ये भी बहुत सही रहता है। इसको भी थोड़ा टेस्ट करेंगे। तो जो असली ये सब खाना है ना, कोई संत त्यौहार जब आता है ना, तभी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कुछ बनता है। गरम गरम बहुत सही लगता है। दो दो खा लिया मैंने। पूरे जो रहते हैं बहुत सही टेस्ट लगते हैं। पूरी के साथ अपन इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं। सबसे बढ़िया अगर मैं बोलूँ तो मुझे पूरी का और इसका कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पूरी और ये करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन बहुत जगह अपने को प्रसाद से भी मिलता है, मतलब प्रसाद करके भी इसको देते हैं। उसे तीन बहुत टेस्ट किया मैंने, बहुत टेस्टी बने ये वाले, ठीक है। ये बहुत सही है, खट्टी सी लग रही है, बस सही स्वाद है। तो गाइस, आपके भी घर ऐसा बनता होगा शायद से, जब मतलब ऐसा नागपंचमी, क्योंकि ये वाला जो है, ये जो पर्टिकुलर पता है क्या, हर एक त्यौहार जो रहता है अलग अलग कुछ डिश बनते हैं। तो ये वाला जो त्यौहार को, मतलब ये वाला जो नागपंचमी है, इसमें ऐसा कुछ बनता है। और फिर राखी को हम कुछ और बनाते हैं, या फिर जो भी अलग अलग त्यौहार आते हैं उसमें कुछ अलग अलग बनाते हैं। तो हर त्यौहार की खासियत यही रहती है, उनको अच्छा अच्छा कुछ खाने भी मिलता है। तो उसी तरीके से मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं पसंद, इसलिए मैं चने की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाता। लेकिन वो अपना स्वाद ही कुछ अलग रहता है, थोड़ा ऑयल से वो स्वाद भी बढ़ जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने एक रेसिपी बनाई थी, उसमें बहुत ऑयल था, लोग बोल रहे थे, लेकिन वो टेस्ट के लिए थोड़ा डालते हैं। और ये जो है ना, ये पत्ते के बनते हैं, तो इसको अपन इस तरीके से मतलब तल के भी खा सकते हैं। और जनरली इसकी लोग सब्जी भी बनाते हैं, तो ये जो है इसको ऐसे भी खाए तो भी चल रहा है, और ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल जो प्लेटिंग करे गए, ओवरऑल जो यहाँ पर दिए गए, सबका स्वाद बहुत सही है। यहाँ पे जो इस त्यौहार, मतलब जो आज नागपंचमी, उसमें ये सब बना है, तो राखी में क्या डिफरेंट बनता है, या फिर उसके बाद जो त्यौहार आएंगे उसमें क्या क्या अलग बनता है, तो उनकी भी मैं आपको थाली दिखाऊंगा, प्लेटिंग दिखाऊंगा। हो सकता है ये हमारे घर पे ऐसे बनता है, दूसरे घर पे मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही कुछ रहता है। तो आप बताइए आपके घर आज क्या बनाए करके। मैं तो सभी ख़त्म करता हूँ।